आज का जो टॉपिक है वो भगवद गीता का हार्ट है, दिल है, और हम सब के लिए वो विचार जो है बड़ा सुंदर विचार है। हमारी जो बॉडी बनी हुई है, हमारा जो शरीर है, इसमें पांच धातु हैं, उसके ऊपर हमारा मन है, हमारी बुद्धि है और ईगो है। ये आठ एलिमेंट्स का शरीर बना हुआ है और इसको प्रकृति कहते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर जो है नाइन्थ एलिमेंट वो है आत्मा, विच इज द सोल। ये जो प्रकृति है जिसमें एट एलिमेंट्स हैं, इसमें जो फैब्रिक लगा हुआ है वो तीन तरह का है, एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। तो दिस थ्री टाइप्स ऑफ फैब्रिक यूज किया है इस शरीर को बनाने में। कई लोग, बहुत सारे लोग, सबके पास ये तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इनका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, ये संस्कृत के वर्ड हैं और संस्कृत में यूज होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपने ईश्वर के गुणों, ईश्वर से बात करनी है, तो ये जो तीन गुण हैं इनसे ऊपर उठना होगा। तो उसको संस्कृत में गुणातीत कहते हैं कि इन तीनों गुणों को बीट करके आपको आगे जाना पड़ेगा, तब वो गेट खुलेगा। जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में चाहे आप मिलियन डॉलर का ले लो, चाहे $10 का ले लो, लेकिन अगर उस पर काम करना है तो आपको पासवर्ड आना चाहिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पासवर्ड नहीं हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विंडो खोलनी है, कहाँ जाना है आपने, नहीं तो वो तो आप इधर उधर घूमते रहोगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो किस विंडो से मिलेगी वो आपको पता, ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही ये स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्मवाद जो है, ऐसे ही है। तो ये जो तीन गुण हमने बताए हैं कि सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये मन का डिवीजन है। जब हर व्यक्ति के पास ये तीनों हैं, लेकिन डिग्री डिफरेंट है। किसी के पास 80% सात्विक है, 20% राजसिक है, किसी के पास 80% या 90% तामसिक है और सात्विक है ही नहीं। तो ये हमें अपने आप को देखना है कि मेरे में वो गुण है कि नहीं है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसका यूज आपने करना है। तो आज का जो लेसन है वो ये है कि ये जो फैब्रिक बना हुआ है शरीर का, और इसमें तीन तरह के धागे लगे हुए हैं, तो मेरे शरीर में कितने धागे हैं, किस किस विचार के। तो अगर आई थिंक लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि वी आर द प्रिजनर्स ऑफ आवर थॉट्स, हम अपने विचारों के कैदी हैं। और अगर आप विचार अपने नहीं बदलते तो आप कैद में ही रहोगे। जैसे एक आदमी है, उसको 40 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है, पनिशमेंट मिलती है, सजा होती है, तो पहले एक दो साल उसको बड़े तकलीफ में गुजारने पड़ते हैं। वो कहता है कि ये क्या हो गया, मैं तो बाहर घूमता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, 5-7 साल के बाद उसको जेल अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। वहाँ का खाना जो भी हो देते हैं उसको अच्छा लगता है, वो अपनी जेल को सजा भी लेता है। कोई घर से, कोई उससे रिश्तेदार, उसको कोई लॉर्ड शिवा की मूर्ति या लॉर्ड रामा की मूर्ति, लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति दे देते हैं, वो जेल में रख लेता है। फिर वो कोई फूल दे देता है उसको, वो फूल चढ़ाने शुरू कर देता है, वही वो आरती करता रहता है। तो वो जेल को सजा देता है और वो बिल्कुल उसकी मेमोरी से ये
बात चली जाती है कि भाई मैं तो कैद में हूँ, वो समझते हैं कि कैद कुछ भी नहीं है, यही उसका घर है। तो हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, हमने हमारी जो अराइवल था इस प्लेनेट के ऊपर जब हम बेबी के रूप में आए, तो है तो ये एक पड़ाव जिंदगी का, एक स्टेशन है, एक दिन आपको जाना है, गाड़ी से आप उतर गए, थोड़ी देर किसी स्टेशन पे रुके हुए हो, जिसको हम ये कहते हैं कि ये ग्लोब है, ये धरती है, इसके ऊपर थोड़ी देर रुके। थोड़ी देर में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है जिसको हम टाइम वक्त कहते हैं, वो टाइम को, टाइम रेकनिंग सिस्टम हमारा डिफरेंट है, हम डिफरेंट टाइप से टाइम को देखते हैं। जो हम टाइम को गिनते हैं, आदमी की उम्र इस धरती के ऊपर 100 साल से ज्यादा नहीं है, एक्सेप्शन हैं, एक साल किसी की डेथ हुई है, उसकी 117 थी, तो दैट इज एक्सेप्शन। जनरली विद इन 100 ईयर्स एवरीबॉडी गोज, तो 100 ईयर्स जिसको हम बहुत लंबी उम्र कहते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग भी करते हैं कि आपकी उम्र बड़ी लंबी हो, वो जो बड़ी लंबी उम्र की बात हम करते हैं वो 100 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। आप जितने मर्जी आशीर्वाद दे दो किसी को, जितनी ब्लेसिंग कर दो, वो 100 साल के आगे नहीं जा सकते। अगर जाएगा तो सफर करेगा, क्योंकि बॉडी गई, बॉडी तो मेल्ट हो जाएगी सारी मोम की तरह, ना वो देख सकेगा ना वो खा सकेगा, तो आपके आशीर्वाद से वो अटका रहेगा, क्योंकि आपने आशीर्वाद दिया हो कभी जाना नहीं, आपकी उम्र लंबी हो। हमें आशीर्वाद ये देना चाहिए कि जितनी भी आपकी उम्र है वो आपकी सेहत अच्छी रहे, ये कोई नहीं कहता जन्मदिन पे, यही जोर जोर से सारे लोग कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव ए लॉन्ग 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 लाइफ। सो द आइडिया, ये जो 100 साल जिसको हम कहते हैं, अगर आप इस धरती से ऊपर जाओ थोड़ा, तो हम लाइट ईयर्स में बात करते हैं कि लाइट जो है वो 1 साल में उसकी स्पीड क्या है, तो लाइट ईयर्स में बात है। अगर सूर्य से चंद्रमा की दूरी देखनी है तो आपको लाइट ईयर्स में देखनी पड़ती है, वहां 100 मील 1000 मील की बातें नहीं होती। तो ऐसे ही अगर 100 साल जो है जिसको हम बहुत लंबी उम्र कहते हैं इस ग्लोब के ऊपर, वो एक छोटा सा टाइम का एक छोटा सा छोटा जो मॉलिक्यूल हिस्सा है, वेरी लिटल, लेकिन हम समझते इसको बहुत बड़ा है। हमारी जो प्लानिंग है वो हम 100 साल को 100 साल ही समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी भूल है हम सब की, कि भाई ये जो यहाँ की जो स्टे है, ये स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खाना पीना खा रहे हो और गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हुई है, अब जब गाड़ी चलेगी जिस जिसके पास जो जो स्टेशन की टिकट है उसके ऊपर चढ़ जाता है, किसी को बताता नहीं है, किसी को बताता नहीं है, तो जिंदगी ऐसी है। तो अगर जिंदगी को ऐसा देखा जाए तो आप देखो, अगर मैं आज से इस तरह इस जिंदगी को देखूं तो मुझे कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेरी सोच कितनी मुझे बदलनी पड़ेगी। जो अब सोच है वो ये है कि मैंने बहुत लंबा समय इस पे रहना है, और सबसे बड़ी बात जो रियलिटी की है वो ये है कि आप साथ कुछ ले जा नहीं सकते, क्योंकि आप लाए नहीं थे, जो लाए हैं वो तो ले जाते हैं, लेकिन लाता भी कोई नहीं, तो इसके ले जा भी कोई नहीं सकता, नहीं तो दुनिया सारी खाली हो जाती। बड़े बड़े जो एम्परर्स थे, बलवान लोग थे, माइटी थे, रिच थे, वो ये सारा का सारा अपने साथ ले जाते, लेकिन कोई नहीं ले जा सका, तो हम भी नहीं ले जा सकते। ये जो परिवार है जिसको हम कहते हैं हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, ये भी आपके नहीं है, ये आपने एक स्टैंप लगा दी है, आपके थ्रू आए हैं, जिसको हम वाइफ कहते हैं, वो कहाँ पलती है, कहाँ बड़ी होती है, कहाँ एजुकेशन लेती है, ऐसे ही हस्बैंड है, फिर कहीं 30-40 साल के बाद, 25 साल के बाद वो एक दूसरे को मिल लेते हैं, और फिर कोई कहता है कि ये मेरी वाइफ है, पता किसी को कोई नहीं कि है कौन, हस्बैंड का भी नहीं पता, क्योंकि हस्बैंड को कुछ अपना खुद नहीं पता। अगर किसी को पूछा जाए कि आप कौन हो, अगर मैं पूछूं आपको कौन हो,
तो आप क्या कहोगे? मैं नीला हूँ ऐसा। आप तो यही कहोगे मैं अपने माता पिता का नाम बता दोगे या शहर का नाम बता दोगे, लेकिन वो कोई नाम तो है नहीं। ऐसे ही एक किसी आदमी की डेथ हुई, इट इज जस्ट इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल। तो वो जब ऊपर गया तो धर्मराज ने उसको पूछा कि भी कहाँ से आए हो, तो कहता मैं धरती से आया हूँ। वो कहता है कौन सी धरती से आया हो, यहाँ तो बिलियन धरती घूम रही है। उसने दिखाया उसको, यहाँ तो बिलियन एंड ट्रिलियन गैलेक्सीज एंड स्टार्स हैं, पॉइंट आउट कि किस धरती से की बात कर रहे हो। वो कहता जी वहाँ गंगा है, वहाँ हिमालय है, वहाँ अमेरिका है, वहाँ गुजरात है, मैं अहमदाबाद से हूँ। यहाँ जो कोई डेफिनेशन नहीं है। वो कहता अच्छा मैं आपको जिप नंबर दे देता हूँ, 11795 ये मेरा जिप कोड है, और मैं टेलीफोन भी दे देता हूँ, ये मेरा लैंड था, ये मेरा सेल है। धर्मराज को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहा है। उन्होंने मैंने तो ये पूछा कि तू कहाँ से आया ताकि तेरा मैं रजिस्टर देखूँ। तो वो जो बंदा था उसने बड़ा कुछ कहा उसको, लेकिन धर्मराज से उसकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, उसकी बात नहीं हुई। बात हंसी की लगती है लेकिन सीरियस नोट के ऊपर आप ध्यान से देखो तो हमें अपना पता नहीं हम कौन हैं। हम अपने माता पिता के थ्रू आ गए, लेकिन अभी आप किसी ने पूछा भी नहीं है कि आपने जाना है कि नहीं जाना, बस आप आ गए, राइट। तो आप माता पिता ने कह दिया कि ये मेरा लड़का। अगर नर्सरी में 10 बच्चे पढ़े हैं तो अगर एक हिंदू का बच्चा है, एक मुसलमान का, मतलब 10 जातियों के 10 बच्चे पढ़े हैं, 10 फेथ से, अगर हिंदू गलती से मुसलमान का बच्चा उठा लेता है और मुसलमान क्रिश्चियन का किसी का बच्चा उठा लेता है, तो वो जो बच्चा है वो क्रिश्चियन बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम बन जाता है। तो ये जो मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जो बने हुए हैं, ये एक स्टैम्प पे लगाई हुई है। जब कोई भी पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, वी आर ऑल न्यूट्रल, किसी का कोई धर्म नहीं होता, क्यों? धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। सनातन मीन जो बदलता नहीं है, परपीचुअल है, हमेशा रहता है, नया नहीं है, पुराना नहीं होता, उसको सनातन कहते हैं। सनातन धर्म ये है, जो सनातन धर्म है वो है कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम एक ही तरह से आते हैं और मरते भी एक तरह से हैं, तो हम सब एक। लेकिन जितनी देर हम जीवित रहते हैं हम इस बात को मानते नहीं हैं, हम सभी को डिफरेंट ढंग से देखते हैं। तो ये जो 3 थॉट्स हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसी के ऊपर सारी सृष्टि खड़ी है, कि क्योंकि इसी इन 3 रंगों की दुनिया ने 3 तरह के कलर यूज किए हैं लाइफ को बनाने के लिए। तो जिन्होंने ईश्वर से बात करनी है उनको सात्विक टाइप का माइंड क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो वो गेट नहीं खुलेगा। ये जो जिंदगी का गेट खुलना है वो बंद रहेगा। तो अनटिल एंड अनलेस मुझे पता हो कि भाई ये सात्विक जो थॉट प्रोसेस है कैसे इसको सस्टेन किया जाए, कैसे इसको पकड़ा जाए और इसकी प्रैक्टिस की जाए, एंड इस जिंदगी के रहते रहते मैं द्वार जो है खोल सकूं जिसमें ईश्वर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए, इट मस्ट बी टॉप प्रायोरिटी, नहीं तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो सेकंड जो थॉट है राजसिक, इनको इंग्लिश में कहते हैं, जो तामसिक थॉट है वो है इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स कि जो चीज जहां पड़ी है वो पड़ी रहेगी, उसको हिंदी में आलस भी कहते हैं, आपका काम करने को दिल ही नहीं करता। आप कितने लोग हैं इस कंट्री में जो वेलफेयर के ऊपर, उनको वेलफेयर अच्छा लगता है, वो काम नहीं करते, खाते पीते हैं लेकिन काम नहीं करते, दैट इज द इनर्शिया, क्योंकि काम तो हम कर नहीं रहे, रोटी पानी तो सभी नहीं खाना है। तो वो इनर्शिया में, इनर्शिया का होता है कि साइंस की जो डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच इज
there, it will not move until some other external force is applied to move it. नहीं तो वो जैसे ईंट है, ईंट अगर यहाँ पड़ी है, तो यहीं पड़ी रहेगी, यहाँ तो कोई आदमी आए इसको ऐसे कर दे, अपने आप नहीं जा सकती, ईंट अपने आप नहीं हिलेगी, या तो उसको कोई हिलाए, कोई फोर्स लाए, तो वो हिल जाएगी। तो जो लोग इनर्शिया के स्टेट में है, इनर्शिया कई तरह का होता है, इनर्शिया जो एक तो है फिजिकल, क्या आप काम नहीं कर रहे, रोटी पानी खा के आप कुर्सी पे बैठ के टीवी देखते हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट प्रोडक्टिव, यू आर ए पैरासाइट ऑन द सोसाइटी। सो एक तो फिजिकल है, एक है मेंटल, आप बातें ही गलत सोचते हो, आपकी सोच ही गलत है। जिस भी परिवार में, जिस भी सोशल साइकिल में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ऐसा बंदा है जिसका माइंड इनर्शिया में है, वो चुगली निंदा उसको बड़ी अच्छी लगती है, किसी की प्रशंसा, किसी की एप्रिसिएशन वो कर नहीं सकता, क्योंकि वो बना नहीं हुआ, वो कलर यूज नहीं हुआ उसके पर्सनैलिटी में। तो ऐसे जो लोग हैं वो बहुत सारे हैं, उनको चुगली निंदा में बड़ा मजा आता है, घंटों घंटों वो बैठे रहेंगे और चुगली निंदा करते रहेंगे। ये है मेंटल इनर्शिया। एक है वाणी का इनर्शिया, वाणी जो हम बोलते हैं वो ऐसी वाणी बोलेंगे कि आपको एक्साइट करेंगे, एजिटेट करेंगे, जब भी बोलेंगे। आपने कई हिंदी मूवीज देखी होंगी, ऐसे लोग और कैरेक्टर जो है डायरेक्टर दिखाता है, एक कैरेक्टर होता था कन्हैया लाल पुरानी पिक्चरों में, उसका बंदा तो अच्छा था लेकिन उसको पार्ट ऐसा मिलता था, तो उसने पार्ट अगर करना है तो वो आप जितनी दिन उस कैरेक्टर में घुस नहीं जाते वो पार्ट होगा नहीं। तो वो जो भी बात करता था वो पिक्चर में, वो ऐसी बात होती थी कि बस अब लड़ाई शुरू होगी, अगर वो चुप रहे तो ठीक है, जब वो बोलता था तो लोगों को एक्साइट करता था, एजिटेट करता था। तो ये है वाणी का, जो हम स्पीच बोलते हैं। तो ये जो तीन क्वालिटीज हैं, अपनी स्पीच की, अपनी थॉट्स की, और फिजिकली जो लोग इनर्शिया में हैं, वो उनका जो बाहर का जीवन होगा वो होगा ड्रग डीलर्स, ड्रग यूज करने वाले, लोगों की चीजें चुराने वाले, शॉपलिफ्टर, डॉन्स, ऑल दैट स्टफ्स, दे बिलोंग टू दैट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी जो होती है, मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूं कि आप पता चले कि ये सब कुछ इस शरीर के अंदर है, मैंने जामने करना है। सेकेंड जो है राजसिक थॉट, राजसिक थॉट में एनर्जी है, ये जितने पॉलिटिशियंस हैं वो रात को 2-3 घंटे सोते हैं, बाकी सब प्लानिंग होती रहती है, कैसे जीतना है, कैसे हारना है, किसको नीचे गिराना है, कैसे करना है, वो सोचते रहते हैं। अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, बैड एलिमेंट्स भी हैं, जो अच्छे हैं वो किसी की देश की उन्नति के लिए सोचते हैं, जो गलत पॉलिटिशियन वो देश को खाने के लिए सोचते हैं कि कैसे लूटा जाए, कि ये 4-5 साल का जो मैं MP बना हूँ या प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, ये दोबारा मौका आएगा नहीं, तो लेट मी टेक द एडवांटेज, और वो दोनों हाथों से लूटते हैं। लेकिन एनर्जी है, वो सोते नहीं है, घूमते रहते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है इट इज वेरी गुड पार्ट, लेकिन उसको गलत ढंग से यूज कर रहे हैं। अगर वही एनर्जी वो शेयर करें जो लोग काम नहीं करते, अगर मैं MP बना हूं, मेरे में अब एनर्जी है, मेरे में थॉट्स भी हैं, मेरे पास रिसोर्सेज भी हैं, तो अगर मैं 10 बंदों को जो इनर्शिया में है उनका वेलफेयर छुड़ा दूं तो मेरा जीवन सफल है। लेकिन करते कोई नहीं है, मुझे तो अपना ही पड़ा हुआ है कि मैं MP बन जाऊं, क्योंकि उसके इसके बाद मैं MP बन नहीं सकता, उसको पता होता है। तो ये जो एनर्जी है इट इज वेरी पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन यूज हम नेगेटिव करते हैं। चाकू है, जैसे नाइफ है,
चाहे उससे यू कैन किल द पर्सन या सब्जी बना लो, उसके यूज के ऊपर है। लेकिन यूज तब करोगे जो आपकी थॉट है। ये जो लोग मर्डर्स हैं उसी नाइफ से लोगों को कत्ल करते हैं, और घर में जो सब्जियां बनती हैं उसी नाइफ से बनती हैं, और उसी किचन में कई लोग कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का, नाइफ वही है। सो उसका जो यूज है वो थॉट के ऊपर है। ऐसे ही ये जो एनर्जी है राजसिक थॉट माइंड का सेट, अगर इसको पॉजिटिव वे से यूज करो तो ये जो नीचे का इनर्शिया एक सोसाइटी का है आप उसको ऊपर ला सकते हो। और ऐसे लोग होते हैं इंडिया में, हम जो लीडर हैं, लोग कुछ भी कहते रहे मोदी, ऐसा लीडर इंडिया को नहीं मिलेगा दोबारा। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जो देश की बात करता है, जो देश की बात करता है। लेकिन क्योंकि गुंडे ज्यादा हैं, बदमाश ज्यादा हैं, वो उसकी लैग, वो जो वो भी इसी राजसिक स्टेट ऑफ माइंड है उनकी, लेकिन वो नेगेटिव यूज कर रहे हैं। क्योंकि पॉलिटिशियन है वो भी, लेकिन नेगेटिव फोर्स यूज कर रहे हैं, होना चाहिए था पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इस एनर्जी में जो लोग पॉजिटिव हैं, दे आर वेरी प्रोडक्टिव, दे आर वेरी क्वालिटेटिव, दे रियली मेक बिग बिग डिसीजन एंड बिग बिग थिंग्स लाइफ में, देश के लिए, अपने लिए, सोसाइटी के लिए, घर बच्चों के लिए, यारों दोस्तों के लिए, उनकी जो एनर्जी है। तो ये और इसके ऊपर है सात्विक एनर्जी, सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड की बातें हैं ये, शरीर तो ऐसे ही रहेगा। तो जिसकी सात्विक स्टेट ऑफ माइंड है उसमें जो है वो कभी किसी की निंदा नहीं करेगा। ये जो लिटमस टेस्ट है मैं आपको बता रहा हूं, जो शेयर कर रहा हूं विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, जो सात्विक स्टेट ऑफ माइंड के लोग हैं वो किसी की निंदा नहीं करते, दे विल अप्रिशिएट। अगर हस्बैंड वाइफ है तो अगर सब्जी में नमक कम है, दैट इंडिविजुअल नेवर से वो भी बड़ी अच्छी है, आनंद आ गया, क्योंकि उसने उसका माइंड ऐसा है कि मैंने निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। एंड इट इज डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन कईयों को ये जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कुदरत दे देती है, प्रकृति उसको देती है, और कईयों को लेनी पड़ती है, कईयों को मेहनत करनी पड़ती है इस टाइप की सोच को सस्टेन करने के लिए। ये जो महात्मा हम देखते हैं, गेरुए वस्त्र पहन के कोई महात्मा नहीं बनता, क्योंकि भगवद गीता के सेकंड अध्याय में लॉर्ड कृष्णा से दैट यू आर नॉट द बॉडीज, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर के अंदर रहते हो, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। अगर हम मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं तो ऊपर की जो अपीयरेंस है आपकी डज नॉट मैटर, अंदर आप क्या हो, जब आप बोलते हो डू यू इंस्पायर पीपल, लोगों को ऊपर उठाते हो कि उनकी लेग पुल करते हो, वो डिसाइड करेगा। तो इस स्टेट ऑफ माइंड के जो लोग हैं सात्विक स्टेट ऑफ माइंड विद सुपीरियर एनर्जी, वो कभी किसी की निंदा नहीं करते, हमेशा दूसरे का अपलिफ्टिंग की बातें करते हैं, सोसाइटी की, परिवार की, यारों दोस्तों की। और उनको ये भी पता है, पक्का विश्वास है उनको कि ये जो मेरा तमाशा या सर्कस जो इस धरती पे चल रही है, ये सर्कस थोड़ी देर के लिए है, चाहे रोलर कोस्टर में बैठो, चाहे दूसरी राइड ले लो, लेकिन ये वो सारी उम्र वो राइडें नहीं चलेंगी, सीजनल होती हैं मेले जो है, लाइफ भी सीजनल है, उनको पता है। तो इस विचार से वो अपनी जो दिन की 24 घंटे जो उसको एडजस्ट करते हैं, उन चीजों के ऊपर वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके साथ जाएंगे। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है, व्हेन वी लीव दिस प्लेनेट, हमारे
साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन भगवत गीता की ये सोच है। 15वें अध्याय में 15th chapter 15th verse उसमें उन्होंने कहा है कि आपके साथ 7th verse आल्सो इज वेरी गुड। तो वो बताते हैं कि आपके साथ जाएगा क्या, कि इन ए वेरी सटल फॉर्म हम डेली अपना प्रोग्राम लिखते हैं सटल चिप के ऊपर, हमें नहीं पता लेकिन वो प्रोग्राम लिखा जा रहा है जो भी आप करते हो, जो भी, और सबकी चिप आप अपने अपनी है और लिखते भी आप हो, क्योंकि जो सोच आपकी है सारा दिन की वो लिखी जा रही है। और लॉर्ड कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके हृदय में बैठा हुआ हूं, मैं आपके दिल में बैठा हुआ हूं, तो वो विटनेस है, वो भी लिखते हैं। तो जब हम जाते हैं तो दो चिप्स होती हैं, एक लॉर्ड कृष्ण ने जो लिखी हुई है, एक जो हमने लिखी हुई है। हम क्योंकि सेल्फिश है, हम अपनी गंदी बातें लिखते नहीं है, बताते नहीं है, हम यही लोगों को इम्प्रेशन देते हैं मैं ठीक हूं, अंदर से हम क्या है ये किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन जो जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है वो माइंड का लिखा जा रहा है कि आपकी सोच क्या है। आपने दान दिया मंदिर में, राइट, 10,000 डॉलर का, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन सोच जो है वो ये है कि मेरा नाम आया, लोग मुझे कहेंगे कपूर साहब ने 10,000 डॉलर दिए। अब अगर मैं, मेरी सोच ये है कि मेरा नाम आए, मेरी नेम फेम आए, तो वो जो प्रोग्राम लिखा गया है वो नेगेटिव हो गया, काम तो अच्छा किया लेकिन सोच गलत है। तो अगर मेरी सोच ये हो कि दान तो मैंने दिया है, पर ये जो 10,000 डॉलर थे, 10,000 डॉलर, ये मेरे नहीं थे, क्यों, मैं खाली हाथ आया था, ये ईश्वर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई एम जस्ट लाइक ए कैशियर, मैंने ट्रांसफर कर दिया। अगर ये सोच है तो ये सात्विक सोच है, ये सात्विक सोच है कि मेरा है ही नहीं। ऐसे ही उल्टी सोच हमने और रखी हुई है कि जब हम रिटायर हो जाते हैं, एज हो जाती है, आजकल अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी में देयर आर लॉट ऑफ सीनियर्स, कई सीनियर सेंटर हो गए हैं इंडियन कम्युनिटी के, पहले नहीं होते थे, ये अभी 10-20 साल से ये तमाशा शुरू हुआ है। जो लोग सीनियर हैं अब वो ये इस सोच में हैं कि कोई ट्रस्ट बनाया है, लिविंग ट्रस्ट या विल, कि ये जो मैंने कमाया है ये मेरे बच्चों के पास रहे, उसको बड़ी चिंता है, उसको बहुत चिंता है, उन लोगों को बड़ी चिंता है, इट्स ए बिग कम्युनिटी। तो वो वकीलों के चक्कर में, अगर तो आपने विल बना दी जिस बच्चे के नाम, तो आप भी अभी जिंदा हो, बच्चा भी जिंदा है, और बच्चे ने 2 साल के बाद आपकी केयर करनी छोड़ दी, तब वो विल स्यापा पड़ गया, या तो उसको बदलो कि ये बंदा गलत है, मेरा ही बच्चा गलत है, मेरी भी सेवा नहीं कर रहा। तो इस विल के चक्कर में, लेकिन जो सात्विक थॉट वो ये है कि भाई कमा लिया, अपनी जिंदगी जी अच्छी तरह से, अभी भी जियो, लेकिन ये जो हम पकड़े हुए हैं, जो चीज आपकी है नहीं, जब आप खाली हाथ आए थे, यहां से आपने कमाया तो यही छोड़ दो, वो सोच नहीं है। लगता क्योंकि आजकल सोच डिफरेंट हो गई है, पीपल हैव बिकम लीगल माइंडेड, तो कहते मैं तो ठीक कर रहा हूं, ये मेरी मेहनत है, ये मैंने कमाया है। उसको ये नहीं पता कि अगर तू कॉलेज गया है तो कॉलेज तूने नहीं बनाया, कॉलेज सोसाइटी ने बना के दिया हुआ था, तो वहां गया, वहां से डिग्री ले ली। अगर वो कॉलेज ना हो तो डिग्री कहां से लोगे, या तो कॉलेज बनाओ। सो एवरीथिंग बिलोंग टू द सोसाइटी, तो जो आपने कमाया है वो भी सोसाइटी को दे दो, खोल अपनी सोच खुली रखो, वो सात्विक सोच है। आपको पता है कि मैंने जाना है, लेकिन आप जब जो इमानत में ख्यामनत डालता है, जो आपकी चीज नहीं है, आप उसको पकड़ के रख रहे हो, तो वो दुख है, ये सफर। लेकिन ये बात समझ नहीं आती, उसके लिए सात्विक माइंड चाहिए, सात्विक माइंड चाहिए, उस तरह का सोच चाहिए कि ये चीज मेरी नहीं है,
आई गो टू वेरियस प्लेसेस एंड आई शेयर दिस थॉट कि जो चीज आपकी है नहीं, आप ये माइक मेरा नहीं है, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इट बिलोंग्स टू हेवन, आई विल गिव इट टू हिम, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मैंने तो आप एक घंटा बोला है, ये तो आप मेरा ही है, इट्स अ प्रॉब्लम। ऐसे ही जिंदगी में हम कर रहे हैं, हमने चीजें कमाई हैं, एक्वायर की हैं, लेकिन वो हमारी नहीं है। यूज करो, ऑप्टिमम यूज, क्वालिटेटिव यूज करो, क्योंकि जब तक आपकी शरीर है तब तक ये चीजें हैं, अगर शरीर गया तो सब कुछ गया। आप जाके, एक बार मैं नर्सिंग होम में यहाँ गया, वहाँ मल्टीफेथ फोरम की एक प्रेजेंटेशन थी, तो 1 बजे थी, तो मैं उस नर्सिंग होम में गया, जो मैंने देखा वो मैंने कभी पहले नहीं देखा था, बहुत बड़ा हॉल था, तो उन्होंने जो नर्सिंग होम के रेजिडेंट थे, जो लोग रह रहे थे, उनको वो सारे व्हीलचेयर के ऊपर थे, तो व्हीलचेयर तो आनी शुरू हो गई, एक व्हीलचेयर खींचने वाला, एक जो है बैठा हुआ था, तो अब वहां 500 व्हीलचेयर उन्होंने उस हॉल में खड़ी कर दी, बड़ा हॉल था। आप यूजुअली एक व्हीलचेयर देखते हो, दो देखते हो, तीन देखते हो, तो वो 500 व्हीलचेयर, 500 बंदे तो वो थे जिन्होंने कुकिंग दी, 500 बंदे उसके ऊपर बैठे हुए थे, वो सारे ऐसे बैठे हुए थे, उनको कुछ पता नहीं था कौन लाया है, कहाँ है, राइट। अब उनको भगवद्गीता का मैंने कुछ बताना था, मैंने तो बताया, लेकिन जो मैंने देखा, जैसे विराट रूप नहीं होता कि भाई कितनी सफरिंग है, हम वैसे रोते पीटते रहते हैं, ये देखो इसी लॉन्ग आइलैंड में 2 मील के डिस्टेंस पे इतनी सफरिंग है, इतनी सफरिंग है, क्योंकि जब आप देखते हो बड़ी चीज तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूं, सुबह उठते हैं, रोटी पानी खाते हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग को मैं देख नहीं रहा, तो वो जो देखा वो आपकी सोच को बदल देता है। और वो सफरिंग यही है, जब लॉर्ड बुद्धा को ज्ञान हुआ, व्हेन ही गॉट द एनलाइटमेंट अंडर बोधि ट्री, तो उन्होंने सबसे पहले जो उनका सरमन था लॉर्ड बुद्धा का, भगवान बुद्ध जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये लाइफ सफरिंग है, लाइफ इज ए सफरिंग, इसमें दुख है। लॉर्ड कृष्ण कहते हैं नो, ये ब्यूटी है, ये डिविनिटी है, सुख ही सुख है। आप गलत जगह पे देख रहे हो, जैसे मैं गया वहां नर्सिंग होम में, तो मैंने जो देखा वो लॉर्ड बुद्धा ठीक थे, सारी इतनी बड़ी सफरिंग, 500 बंदा चेयर्स पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कौन उसको खींच रहा है, कहाँ बैठे हुए हैं, वो सफरिंग है। और बाहर आ जाओ, बाकी सब कुछ देखो, सूर्य को देखो, तारों को देखो, समुद्र को देखो, इकोलॉजी, तरह तरह के हजारों टाइप के फ्लावर्स हैं, पक्षी हैं, उनको देखो, तो आप कहोगे कहाँ है दुख, दुख तो है ही नहीं। तो दुख सुख आप देख कहाँ रहे हो, वो उसकी परिभाषा वो है। सो the idea is, this is the sattvic thought, sattvic thought, आप कहाँ देख रहे हो, जहाँ आपकी दृष्टि है, that will decide, उसके पीछे आपकी mind की faculty की है, आपकी सोच क्या है, उसी बात को आप कहोगे कि ये नर्क है। जब आपका मूड ऑफ होता है, when you are in a bad mood, आपका लिविंग रूम जिसमें $10,000 का टीवी पड़ा हुआ है, बड़े बड़े सोफे पड़े हुए हैं, एंड ब्यूटीफुल कार्पेट, जो रोज आप एंजॉय करते हो, अगर कोई लाइफ में एक्सीडेंट हो जाए, कोई अपना नया, अपना नजदीकी जिसको आप प्यार करते हो वो चला जाए, वो ही लिविंग रूम आपको खाने को आता है, इट बिकम ए ड्रेडफुल सीन, यू वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, और काफी दिनों तक वो ही सीन रहता है। तो हुआ क्या, चीजें तो वही थी, किसी ने घर लाई तक नहीं, रोज सफाई होती रही, लेकिन अब आपका माइंड चेंज हो गया है, तो एवरीथिंग है चेंज। सो लॉर्ड कृष्णा सेज, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू,
आपकी सोच क्या है, आप देख कहां रहे हो, दैट विल डिसाइड हाउ पीसफुल यू आर. और ये सात्विक थॉट है, सात्विक थॉट है. और इसको सस्टेन करना, होल्ड करना, प्रैक्टिस करना डेली बेसिस पे, दैट विल ओपन द गेट ऑफ डिविनिटी. देन यू कैन टॉक टू द ऑलमाइटी गॉड, जो भी आपका इष्ट देव है उससे बात हो सकती है, अदरवाइज डोर इज क्लोज्ड. सो ये जो तीन तरह की स्टेट ऑफ माइंड है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये प्रोपोर्शनेटली सभी में है. किसी में 100% सात्विक नहीं है, कोई 100% राजसिक नहीं है, कोई 100% तामसिक नहीं है. इट इज द मिक्सचर, इट इज अ केमिस्ट्री एंड इट अल्टरनेट्स. जैसे वो क्या उसको कहते हैं, अल्टरनेटर, जब आपके दिल की धड़कन देखते हैं, थोड़ी देर कर कार्डियोग्राम, उस पे आप ग्राफिक कर्व देखते हैं, इट इज लाइक दैट, इट पल्सेट. सो मैंने, आपने अपने लेवल पे, सबने अपने लेवल पे देखना है कि मैं जो डेली मैं उठता हूं या उठती हूं, ये जो 8-10-12 आवर्स जिसमें, जिसको हम कहते हैं वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट में तो आपको कुछ पता ही नहीं, लेकिन इस स्टेट में मैं मोस्टली क्या सोचता हूँ, मोस्टली मैं क्या सोचता हूँ, मुझे निंदा चुगली अच्छी लगती है, लोगों को लेग पुलिंग अच्छी लगती है, कि मैं लोगों को हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ. ये जो विचार है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, दैट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव. एम आई कंपैशनेट, डू आई हैव द एम्पैथी, आई एम सेल्फलेस. लेकिन कई लोग आप देखते हो, दे आर सो एनग्रॉस्ड विद सेल्फिशनेस, उनको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, दे आर सो ऑब्सेसिव. And they pay heavy price when something happens. The more possessive you are, the more prone you are to the tragedy. Agar, kyunki this is a changeable world. Ye srishti ka nahi hai, main change, har cheez change ho rahi hai. To agar har cheez change ho rahi hai at any given moment, to kisi cheez ki koi guarantee nahi hai. Guarantee yahi hai. That is why Bhagavad Gita profoundly says, stay in the present. प्रेजेंट में जो लोग हैं, कल क्या होगा, नोबडी नोज. हम बाहर जा भी सकते हैं कि नहीं, आई डोंट नो. प्लानिंग तो है कि बाहर जाएंगे, कार में बैठेंगे, वो नोज. द आइडिया इज, जैसे अब हम बैठे हैं, जितने भी हैं, आर वी हियर फिजिकली एंड मेंटली और ओनली फिजिकली. फिजिकली तो सभी बैठे हैं, अब आई एम जस्ट टॉकिंग. आप मुझे सुन भी रहे होंगे, नहीं सुन रहे, बिकॉज यू मे बी थिंकिंग मेनी थिंग्स, कि ये आप खत्म कब होगा, ये दैट मीन यू आर नॉट इन द प्रेजेंट. तो जिंदगी है ही प्रेजेंट ना, कल का वो डेड है. जैसे आपके पास एक बहुत सुंदर बर्ड है, आपके पास पैरेट है, आपने उठाया हुआ है, वो आपसे बातें कर रहा है, बड़ा सुंदर है, यू टॉक एंड वेरी गुड कम्युनिकेशन, लेकिन somehow that bird become dead. आपने पकड़ा हुआ, but that become dead. आप उसको क्या करते हो, आप यू थ्रो अवे, यू हैव टू थ्रो अवे, यू कैनॉट कैरी डेड बर्ड. जिंदगी ऐसी है. दिस इज द सोच ऑफ भगवद गीता, दिस इज द सोच ऑफ भगवद गीता, कि स्टे, स्लो डाउन, डोंट गो इन टू द रैट रेस, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट. जिंदगी की जो सच्चाई है उसको पकड़ के उसका अभ्यास करना, दैट इज द विजडम ऑफ भगवद गीता. और ये जो थ्री लेयर्स मैंने, अब ये जो हमारा शरीर है, इसमें ये थ्री कलर्स यूज हुए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, दीज आर थ्री कलर्स. और इन, ये जो ट्राई कलर है, एक तो फ्लैग होते हैं ट्राई कलर, हमारा शरीर भी फ्लैग है, डिवाइन फ्लैग,
जिसमें ये तीन तरह के कलर यूज किए हैं, तो इन तीन तरह की जो केमिस्ट्री है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो जिस्ट है, उसका जो रस है, वो ये है कि ट्राई टू स्टे इन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ जो आपकी सात्विक वृत्ति है. जब आप उस स्टेट में होते हो, उसके लिटमस टेस्ट है, ये कोई गपबाजी नहीं है. इट इज साइंस. देर आर लिटमस टेस्ट कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड इज सुपीरियर और इन्फीरियर. जो लोग जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है ऑन अ डेली बेसिस विद अवेयरनेस, पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए. अवेयरनेस मीन्स रेड लाइट मीन्स रेड लाइट. आई शुड स्टॉप इट. आई शुड नॉट क्रॉस इट. आई शुड नॉट लुक फॉर द कॉप के है कि नहीं है. आई शुड नॉट लुक फॉर द पेडेस्ट्रियन. रेड लाइट मीन्स रेड लाइट, वेदर इट इन मैनहट्टन और इन एरिजोना. जहां भी है लोग समझेंगे ये इडियट है, कोई आ जा तो रहा नहीं, ये खड़ा हो गया है रेड लाइट पे. नो, उनको ये नहीं पता कि मैं किस चीज की इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूं. रेड लाइट मीन्स रेड लाइट. तो जो रेड लाइट्स हैं स्पिरिचुअलिटी की, अगर उनको ऑब्जर्व किया जाए, लाइफ इज ए ब्लेसिंग, अदरवाइज लाइफ इज ए सफरिंग. तो आज का जो ये प्रेजेंटेशन थी, द थ्री ट्राई कलर इन अवर पर्सनैलिटी, उसका मतलब ये है कि ट्राई टू स्टे एंड एक्वायर दिस फैकल्टी एंड सस्टेन इट, प्रैक्टिस इट. एंड द लिटमस टेस्ट ऑफ सात्विक थॉट इज कंपैशन, सेल्फलेसनेस, एम्पैथी. दूसरों का दर्द आपका दर्द बन जाए, दूसरों को उठाकर आपको मजा आए, किसी की हेल्प करके आप कहो हे प्रभु मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी है. दान देते हो तो कहो प्रभु मुझे आपने यू गेव मी द डिवाइन अपॉर्चुनिटी. डोंट लुक फॉर नेम एंड फेम. दैट इज द स्पिरिट स्टेट ऑफ माइंड. और ऐसी जब हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर मेनी ईयर्स, द गेट, जैसे पासवर्ड हम चूज करते हैं तो विंडो ओपन होती है, देन द विंडो ऑफ द गॉड ओपन्स एंड यू कम्युनिकेट विद हिम. जय श्री कृष्ण.